भंवरताल स्थित कल्चरल स्ट्रीट में दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित फैमिली फन फेस्ट में गुरुवार को भी गीत संगीत नृत्य एवं सुरों से सजी शाम शहरवासियों के लिए खास रही। फन फेस्ट में अपनी डांस फैमिली ग्रुप के साथ ही डीजे हसन सहित अन्य कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। वहीं खाने के शौकीन लोगों ने व्यंजनों का भी स्वाद लिया। दैनिक भास्कर द्वारा कल्चरल स्ट्रीट में आयोजित फैमिली फन फेस्ट का रोमांच बढ़ता ही जा रहा है। शहरवासी अपने परिजनों एवं दोस्तों के साथ मनोरंजन के पल बिताने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं एवं फन फेस्ट में लगाए गए पेंटिंग्स, कलाकृतियों, कॉइन कलेक्शन, गिफ्ट आइटम सहित अन्य स्टॉलों का अवलोकन कर भरपूर आनंद उठा रहे हैं। कला एवं संस्कृति के इस अनूठे उत्सव में शामिल होकर लोग दिन भर के कामकाज की टेंशन से मुक्त होकर खुशियों के पलों को एंजॉय कर रहे हैं और ऐसे सराहनीय आयोजन के लिए दैनिक भास्कर के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। जी अच्छा लग रहा है और यहाँ पर हम काफ़ी दिनों से आ रहे हैं तो नई नई चीज़ें भी हो रही हैं और काफ़ी लोग आकर हमारा सामान भी देख रहे हैं और काफ़ी हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हम काम को और किस तरीके से निखार सकते हैं। से मुझे ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें मैं अपनी पेंटिंग्स जो है वो पब्लिक तक शो कर पा रही हूँ और दैनिक भास्कर ने हम लोगों को जो ये फेस्ट का मौका दिया है ये भी काफ़ी अच्छा है और हम लोग इसमें बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। और अगर भास्कर ये हर साल करे, इवन हर साल नहीं हर साल में दो बार करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे बहुत अच्छी पेंटिंग्स, आर्ट और कल्चरल अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा माहौल है और मतलब मैंने ऐसी पेंटिंग्स अपने जबलपुर में एग्जीबिशन नहीं देखा कभी, तो बहुत अच्छा लगा देख के। यहाँ पे लोगों ने, आर्टिस्ट जो हैं बहुत अच्छी, उन्होंने यहाँ पे जो है पेंटिंग्स बनाई हुई है और यहाँ पे सेल भी हो रही है। मतलब अगर आप देखोगे तो रियल लग रहा है, जैसे कि 3D फोटोज़ होती हैं, पेंटिंग्स होती हैं, ऐसा लगेगा नहीं कि ये किसी ने बनाई है, लगेगा प्रिंट आउट करके निकाल दिया है। खास लगा हर की जो नई नई चीज़ें रखी हुई, नए स्टार लगे, खाने पीने का सब इंतजाम है। हम लोग जैसे नोट सिक्के वगैरह का, फर्स्ट डे कवर वगैरह का, लकड़ी के काम का, नई नई चीज़ें आइटमें हमारी हर रोज़ हर दिन बदलता रहता हमारे मेंबर वगैरह। इसमें बहुत अच्छा प्रोग्राम है, यहाँ अगर मैंने देखा तो बच्चों का एग्जीबिशन और आर्ट भी बहुत अच्छा है और खाने की चीज़ें का इंस्टॉलमेंट जो लगा हुआ वो भी काफ़ी अच्छा है, तो मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। आज के कल्चर के हिसाब से, आज की जनरेशन के हिसाब से यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्केचिंग वगैरह, पेंटिंग वगैरह, काफ़ी प्रतिभाएं उभर के ऐसे में सामने आएंगी। यहाँ खाने पीने के स्टॉल वगैरह भी हैं, यानी कि एक शाम के समय जो ठंड का माहौल है, अभी जैसे हल्की हल्की ठंड पड़ रही है, तो इस हिसाब से गैदरिंग भी काफ़ी अच्छी है। फन फेस्ट में गुरुवार को बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए माउथ ऑर्गन प्लेयर SG हेलकर, गजलकार राज सागरी एवं वरिष्ठ कलाकार रामकृपाल नामदेव ने भी इस कार्यक्रम की भरपूर सराहना की। मैं एक माउथ ऑर्गन प्लेयर हूं और आज के कार्यक्रम का मेरे को अतिथि के रूप में इन्हें बुलाया है। कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत गेस्ट को बुलाने से मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा। फन फेस्ट में नुक्कड़ नाटक के साथ ही अपनी डांस फैमिली ग्रुप एवं DJ हसन के द्वारा शानदार प्रस्तुति देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। But I have given to the audience. They have checked it thoroughly. It's completely strong rope. Okay. Close. Sir, not like this. Sir, you have to close it properly. Then only we can do the magic. You can stand here. The mic over here. Okay, I don't see them. We can perform this magic. Okay, they have. What? Sir? What? बस हमारे बीच आ चुके हैं कुछ ही सेकंड में, हमारे मंच पर होंगे सलमान खान जी,
फन फेस्ट का मुख्य आकर्षण फिल्म अभिनेता सलमान खान की तरह नजर आने वाले जूनियर सलमान खान मोहम्मद परवेज और मिस ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल का खिताब जीत चुकी वीना जी समेत अन्य कलाकार रहे जिनको मिलने एवं देखने के लिए लोग उत्सुक नजर आए। चांद पर आया है और आसमान से सितारे जमीन पर आ गए हैं।